अशांति हमारे चित्त में आते ही हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं। प्रेम हमारा स्वभाव है और चेतना हमारा स्वभाव है, लेकिन हम परखे चिंतन से अशांत होते हैं। पर की वासना से हम द्वेषी हो जाते हैं और पर में मम अहम करने से हम जड़ हो जाते हैं। जब जब बुद्धि जड़ होने लगे, बुद्धि में द्वेष आने लगे, बुद्धि में अशांति आने लगे, तो हम समझ लें कि हमारे स्वभाव से विपरीत में हमारी धारणा हो गई है। बाहर के सब लोगों को ठीक करना संभव नहीं, लेकिन अपनी समझ को ठीक करना सबके लिए संभव है। जितनी ज्ञान की समझ बढ़ेगी उतना ही बेड़ा पार होगा। भगवान शंकराचार्य ने वेदों का रक्षण करते वेदांत का भी रक्षण किया, वेदों का अनुवाद करते वेदांत का भी रक्षण किया। वे 3 वर्ष के थे, उनके पिता चल बसे, पानी में चले गए, माँ कपड़ा धो रही थी, माँ मगर ने पकड़ा है और ये बोलता है तू सन्यासी बन तो तुझे छोड़ दूँ, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके माँ से सम्मति ले ली सन्यासी बनने की। 5 वर्ष में, मतलब 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेद वेदांत शास्त्र पढ़ लिए। उनकी आयुष्य समापन होने को थी। गोविंदाचार्य ने, गुरु ने देखा कि इनके आयुष्य समापन हो रही है। 8 वर्ष योग बल से आयुष्य बढ़ा दी गई अगस्त मुनि की कृपा से। अगस्त मुनि ने 8 वर्ष की आयुष्य उनको योग बल से बढ़ा दी। 16 वर्ष के हो गए आदि शंकराचार्य। वेद वेदांत का मत स्थापित करते हैं, लोगों को अपने आत्म परमात्मा सुख का खजाना सारभूत में समझाते, मत मतांतर पंथ पंथों के कीचड़ों से, खिंचावों से, तनावों से बचाकर आत्म शांति का अपने दिल में ही धजा फहराने का संदेश देते हुए देखा कि अब आयुष्य के कुछ ही समय है, काशी पहुंचे। 16 वर्ष पूरे होने को हैं। मणिकर्णिका घाट पर भगवान वेदव्यास जी रूप बदल कर उनको शास्त्रार्थ में ललकार रहे। शास्त्रार्थ छिड़ गया है। अब एक तरफ भगवान वेदव्यास और एक तरफ भगवान शंकर। व्यास विष्णु का अंश, विष्णु का रूप है, शंकराचार्य शंकर का रूप। शिव और विष्णु के शास्त्रार्थ में कहाँ अंत आए। मध्यस्थों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु अब शांत हो जाओ, आपके शास्त्रों शास्त्रार्थ का अंत न होगा। तब वेद व्यास अपने रूप में प्रकट हो गए और 16 वर्ष की आयुष्य अपनी ओर से दी। अभी वेदांत के सिद्धांत को जन साधारण भी समझ सके ऐसा प्रचार प्रसार करके व्यक्तित्व को जीते जी अपने अमर रस का आदेश मिल जाए, इसलिए 16 वर्ष और आप इस शरीर में रहो। ऐसे करके आद्य शंकराचार्य की उम्र 32 वर्ष तक की रही। शरीर जो आदमी स्वस्वभाव में होता है और पर हित रत रहता है, उसको अगस्त जैसे ऋषि और वेदव्यास जैसे कारक पुरुष अब आयुष्य देकर पर हित का कार्य करवाते हैं। लेकिन जो स्वार्थी होता है
उसकी तो अपनी आयुष्य वो नहीं भोग सकता है, चिंता चिंता में हार्ट फेल हो जाता है। एक क्रूर ने देखा कि शंकराचार्य अगर वेदांत को इतना फैलाएंगे, वेद को, तो फिर हमारा डिम डिम नहीं चलेगा, शंकराचार्य की मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा जाए। अब उनकी मृत्यु के लिए संत तो दयालु होते हैं, एकांत में बैठे हों तब कुछ वरदान ले लिया जाए। उस पापी ने आकर कहा कि महाराज, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ में राजा का मस्तक चाहे, या तो किसी सन्यासी का, राजा का सिर छोद करने की बात करूंगा तो राजा मेरे को ही फांसी चढ़ा देंगे, इसलिए मैं राजाओं का राजा जो महाराज हैं उसके पास आया। सन्यासी हैं आप तो, आपको तो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है और परहित रत हैं, तो महाराज आपके सिर का छेद करके मेरा यज्ञ अगर सिद्ध होता है तो आप तो परोपकार आत्मा है, आपने तो ब्रह्म ज्ञान पा लिया है, आप अपना सिर मेरे को अपना यज्ञ सफल करने में देने की कृपा करें। शंकराचार्य ने कहा चलो ठीक है, लेकिन अभी अगर तुम उतारोगे तो शिष्य मेरे देखेंगे ना तो तेरा सिर उतार दें। मैं तो सह लूंगा लेकिन मेरे शिष्य नहीं सहेंगे मेरे यहाँ। ऐसा करके कल शिष्य लोग स्नान करने को जाए उस समय आ जाना। शिष्य स्नान करने को गए और दुष्ट पहुंचा है, मयान में से तलवार निकाली और शंकराचार्य अपने स्वरूप में स्व में स्थित हो गई, पर है, पर के हित में आता है तो क्या बात है, अपना सिर कटाने के लिए तैयार हो गए। भय के कारण नहीं, निंदा के कारण नहीं, बेइज्जती के कारण नहीं, पर हित के लिए स्व में टिक गए। शिष्य गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान करके थोड़ी देर स्नान के बाद चुप बैठना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए। हकीकत में स्नान करके ध्यान बढ़िया होता है, बिना स्नान का ध्यान तो जरा ऐसे ही होता है। श्री राम। शिष्य लोग स्नान करके बैठे तो उनको लगा कि हमारे गुरु जी के पर कोई आपत्ति आई। नरसिंह का चिंतन करते ही दो झंपों में आश्रम जगह पे आ पहुंचे। देखा कि क्रूर अपना तलवार लेके समाधिस्थ गुरुदेव का सिर उच्छेद करने का कर रहा है। दो झपेट में शेर का रूप लेके आए, दो झपेट में वहां फाड़ दिया। तो जो आदमी पर हित में लगा और स्व में टिका है, तो पर हित होते होते कोई अहित करेगा तो प्रकृति उसको ऐसा सेट कर देगी कि आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए लोग दुश्मनों को ठीक करना चाहते, मैं तो कहता हूं अपने को ठीक कर दो, दुश्मन को भगवान सद्बुद्धि दे देगा। जय जय। नहीं तो दुश्मनों से निपट के भक्ति करोगे तो जीवन निपट जाएगा, दुश्मन नहीं निपटेंगे। दुश्मनों से डरो भी नहीं और उनसे निपटने के लिए समय ज्यादा न खर्च कर, आपका चित्त परमात्मा में शांत रहे ऐसा प्रयास करो। फिर जैसा वो अंदर से प्रेरणा हो, अपना राग द्वेष से प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं वो बांध देते, समता में रहकर फिर चाहे युद्ध, राजाओं ने युद्ध किया, कृष्ण ने, राम ने, उनको लेप नहीं लगा, पहले अपनी समता में आ जाओ। तो समता में आने के लिए श्लोक बड़ा सुंदर है, 25वां श्लोक है 5वें अध्याय का। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मष छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हितेरता। फिर आपके द्वारा जो कुछ होगा दूसरों के हित में होगा, चाहे लंका तुम जला दोगे, लगेगा कि आए हाय इतना पाप हो गया इतना जला दिया, लेकिन हित होगा, रावण पाप करने से बचेगा, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। जय जय। चाहे बाली को छुपकर बाण मारना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका निजी स्वार्थ नहीं होगा, निजी तो सुख मिल गया। चाहे आप अपने मामा को ही, कंस जैसे श्री कृष्ण ने मामा को ही आलिंगन करते ही पहुंचा दिया, मामा को मारने में भी श्री कृष्ण निर्लेप, और हम चिड़िया भी मारते तो पाप लग जाता है, और लगता ही है, क्योंकि हम पर में है, शरीर के सुख के लिए अगर करेंगे तो पाप है। स्व में ठहर कर पर हित के लिए अगर हमारे से होने लगेगा तो कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म का बंधन नहीं होगा तो अंदर में अशांति नहीं होगी,
जय जय। कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्तृत्व भाव नहीं होगा तो अंदर में अशांति नहीं होती। और जो अपने आप में शांत है उससे जो अशांति करके टक्कर लेते हैं उनको दुख होता है बेचारों को। श्री राम। आप अपने आप में शांत हो जाओ और कोई आप आपके हृदय में किसी के लिए नफरत नहीं है और कोई आपके लिए नफरत करता है तो आप ईश्वर में ठीक हो जाओ। वो नफरत करता है तो उसकी नफरत क्रिएट होती है, उसको बेचैनी होती है बेचारे को, उस पर दया खाओ। कुमारिल भट्ट हो गए बड़े ऊंचे संत, वे बोलते हैं लोग अद्भुत हैं, भोले महेश्वर हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव में शत्रु रहे। आप नहीं चाहते कि आपका दुश्मन आपके गांव में रहे, निकल जाए तो अच्छा। दुश्मन गांव में नहीं रखना चाहते, पड़ोस में नहीं रखना चाहते, घर में नहीं रखना चाहते दुश्मन को, लेकिन उसका चिंतन ऐसा करते कि खोपड़ी में रख देते दुश्मन। आए राम चौ सत नाम, तो आप कलमश दुश्मन का चिंतन करने से कलमश बढ़ते हैं, भोगों का चिंतन करने से, पर का चिंतन करने से कलमश बढ़ते हैं। इसलिए अपनी सुमृति को ब्रह्म में लगाओ।